इससे पहले रामगोपाल मिश्रा की हत्या से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, ये बहराइच कांड को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें 13 अक्टूबर को आरोपी अब्दुल हमीद की छत से झंडा उतारने के समय उसे गोली मारने की तस्वीर दिखाई दी। वहीं रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें होने की भी बात सामने आई, जिस पर पीड़ित परिवार ने हत्या के दोषियों के लिए खून के बदले खून की मांग की थी। और योगी की पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर कर लगभग आधा हिसाब भी कर दिया। जैसे हमारे पति का हुआ है, वैसे उन लोगों का भी हाल है। जिस तरीके से मारा गया है तुम्हारा बच्चा, उसी तरीके से उनके साथ किया जाएगा। जैसे जैसे बहराइच हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ रही है, जो साफ इशारा कर रही है कि वहां पहले से ही दुर्गा विसर्जन के दौरान तनाव फैलाने की साजिश रची गई थी। घटना से जुड़ी इन दो तस्वीरों में पहली तस्वीर उस वक्त की है जब रामगोपाल को आरोपी की छत पर ही गोली मार दी गई। दूसरी तस्वीर रामगोपाल के पोस्टमार्टम के समय की है, जिसमें पूरे शरीर पर बर्बरता के निशान दिखाई दिए। रामगोपाल की हत्या के वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब वो आरोपी की छत से झंडा उतार रहा था, उसी समय उसे गोली मारी गई। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए वहां सब कुछ शांत हो गया। ये गोली सीधे रामगोपाल के सीने में लगी, जिससे वो फौरन ही छत पर गिर पड़ा। इस दौरान सामने वाली छत पर कुछ लोग मौजूद थे, जो इस घटना को देखकर दहल गए। वहीं छत पर खड़े आरोपियों की तस्वीर भी सामने आई, जो गोली चलने से थोड़ी देर पहले की बताई गई। जिस वक्त दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकल रहा था, उस वक्त आरोपी अब्दुल हमीद कुछ लोगों के साथ अपने मकान पर मौजूद था, और इसी के बाद जब रामगोपाल झंडा उतारने आरोपी की छत पर गया, तो अब्दुल हमीद की लाइसेंसी राइफल से उसे गोली मार दी गई। वहीं रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें उसके सिर से पैर तक गहरे जख्म के सबूत हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल के शरीर पर बंदूक की गोली के निशान, सिर, माथे और चेहरे पर चोट, दोनों हाथों पर कई जख्म, गर्दन के आगे और पीछे चोट, सीने के ऊपरी हिस्से पर घाव, कंधे की हड्डी पर गहरी चोट और दोनों पैरों के अंगूठों पर जलने के निशान पाए गए। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वो तस्वीरों में भी दिखाई दी, जिसमें रामगोपाल के शरीर पर बर्बरता के निशान साफ दिखाई दिए। 25 से 30 के करीब छर्रे लगे हैं छाती में, गले में और सिर में, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। बाईं आंख के ऊपर एक फटे का निशान है और पैरों के दोनों अंगूठों में मध्य भाग के नाखून डैमेज मिले हैं। रामगोपाल से बर्बरता के सबूत सामने आने के बाद रामगोपाल के माता पिता एक बार फिर दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। जितना हमरे लड़के मारे उतना उनके संगे हो चाहिए, 10 हमार लड़का गवाह है, वो सुनका हो। उस मौके पर तो हम थे नहीं, देख करके बता रहे हैं, तो उन्होंने हमसे ये संतोष बंधाया कि जिस तरीके से मारा गया है तुम्हारा बच्चा, उसी तरीके से उनके साथ किया जाएगा। वहीं शादी के बाद महज 4 महीने साथ रहने वाली रामगोपाल की पत्नी भी कह रही है उन्हें खून के बदले खून चाहिए। खून जैसे हमारे पति का हुआ है, वैसे उन लोगों का भी हाल हो, जितनी बेरहमी से उन्हें मारा गया उतनी ही बेरहमी से वो लोग भी मारे जाएं। जाहिर है रामगोपाल के परिवार को ऐसा गम मिला है जिसकी भरपाई शायद ही मुमकिन है। अब देखना है कि दोषियों के खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है।